gov.uk की वेबसाइट पे मौजूद है। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वीज़ा जो डिसीजन है यूके का उसमें कितना टाइम लगता है मुख्तलिफ एप्लीकेशन का। तो वीज़ा डिसीजन वेटिंग टाइम्स एप्लीकेशन आउटसाइड द यूके, यानी अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या बांग्लादेश से या वट एवर जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप आउटसाइड द यूके हैं, आपकी एप्लीकेशन को कितना टाइम लगेगा। चेक हाउ क्विकली यू विल रिसीव अ डिसीजन ऑन योर वीज़ा, यूके वीज़ा एप्लीकेशन इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड द यूके। तो यहाँ पे आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी, होम ऑफिस की वेबसाइट पे हम मौजूद हैं। वेन योर वीज़ा एप्लीकेशन वेटिंग टाइम स्टार्ट एंड एंड, हमने इस पर क्लिक किया। यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, द वेटिंग टाइम स्टार्ट्स वेन यू आइदर अटेंड योर अपॉइंटमेंट एंड प्रोवाइड योर फिंगरप्रिंट्स एंड ए फोटोग्राफ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एट ए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। जब आप अपने बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स के लिए जाते हैं, आप अपनी पिक्चर भी वहां पे बनवाते हैं, तो आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जी, जब आप यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाते हैं, वहां से फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं, अपनी फोटोग्राफ भी वहां पे बनवाते हैं, तो जब आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होती है, तो आपकी एप्लीकेशन का उसी दिन से टाइम स्टार्ट होता है। वेरीफाई योर आइडेंटिटी यूजिंग द यूके इमिग्रेशन आईडी चेकअप, दिस विल डिपेंड ऑन द वीज़ा यू अप्लाई फॉर एंड यू विल बी एडवाइज इफ यू कैन यूज दिस। तो आप अपने यूके वीज़ा की जो आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। द वेटिंग टाइम विल एंड व्हेन यू गेट एनी मेल कंटेनिंग द डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन, जब आपको ईमेल आ जाती है या आपको मैसेज आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको टाइम जो है वो आपका मुकम्मल हो गया। सेकेंड है हमारा विजिट द यूके, अगर आप में से कोई विजिट करता है यूके को तो उसका कितना टाइम है। विजिट वीज़ा इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन आर करंटली टेकिंग ऑन एवरेज 7 वीक्स टू प्रोसेस। जी, 7 हफ्ते आपको दरकार होते हैं विजिट वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। हाउ एवर सम एप्लीकेशन माई टेक लॉन्गर, वी आर वर्किंग हार्ड टू प्रोसेस एप्लीकेशन टू गेट बैक टू द 3 वीक सर्विस स्टैंडर्ड। यानी होम ऑफिस वाले पूरी कोशिश करते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर जो है वो आपको रिप्लाई कर दें, लेकिन बाद दफ़ा 7 हफ्ते भी लग जाते हैं। यू शुड गेट ए डिसीजन ऑन योर वीज़ा विद इन 3 वीक्स वंस यू अटेंड योर अपॉइंटमेंट एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए वीज़ा टू विजिट यूके, फॉर ए हॉलीडे और टू सी फैमिली और फ्रेंड्स, फॉर ए बिजनेस ट्रिप और मीटिंग, टू गेट मैरिड, टू स्टडी फॉर 6 मंथ आर लेस। आप किन टाइप्स का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हॉलीडेज पे या दोस्तों से या फैमिली से मिलने के लिए यूके जा रहे हैं, आप बिजनेस ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं या कोई मीटिंग में जा रहे हैं, आप शादी करने के लिए जा रहे हैं या आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन 6 माह से कम है। सो यू विल बी एबल टू गेट योर वीज़ा फास्टर और असेस अदर सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंट्री यू आर चेक विद योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो ये था हमारा विजिट वीज़ा के बारे में कि उसका जो प्रोसेस है वो कितना होता है। जी, इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टडी इन द यूके, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड गेट ए डिसीजन ऑन योर वीज़ा विद इन 3 वीक्स, यानी 3 हफ्ते के अंदर आपको रिप्लाई जो है वो आ सकते हैं। योर अपॉइंटमेंट एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और यूज़ द आईडी चेक ऐप इफ़ यू आर अप्लाइंग। तो अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 हफ्ते के अंदर आपको जवाब जो है वो आ जाएगा। तो स्टडी वीज़ा 2 किस्म के हैं, स्टूडेंट वीज़ा है और चैट स्टूडेंट वीज़ा है। यू मे बी एबल टू गेट योर वीज़ा फास्टर और असेस द सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन विजय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो आप अपने वीज़ा की सर्विस को ज़्यादा जल्दी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अमूमी 3 हफ्ते का टाइम है, लेकिन अगर आप उससे पहले चाहते हैं तो फिर आप अर्जेंट सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीकाकार है, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जी, प्रायोरिटी सर्विस गेट ए फास्टर डिसीजन, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सर्विस, अगर उनके पास पैसे ठीक ठाक हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस हैव बीन टेम्परेरली सस्पेंडेड फॉर न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन, फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन के लिए नहीं है। फॉर विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन देर इज ए रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस, और विजिटर वीज़ा के लिए थोड़ी इसमें कमी की गई है। कलेक्शन विद इन 5 वर्किंग डेज प्रायोरिटी वीज़ा से, ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 5 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। If you verify your identity at a visa application center and the service is available in your country you are applying for, you can choose a priority service when you apply. There will be an additional cost for this service. A decision will be made within 5 days of your appointment at the visa application center. तो 5 दिन के अंदर जी आपको इसका reply आ जाता है। आप जब अपने visa center में जाते हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे priority visa services मौजूद हैं, और अगर यहाँ पे services मौजूद हैं तो आप ये avail कर सकते हैं। चेक विद योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर टू सी द प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस अवेलेबल इन योर कंट्री आर यू अप्लाइंग फॉर, द प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस अवेलेबल इन मोस्ट कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये सर्विस मौजूद हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये मौजूद नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारी कंट्री में ये सर्विस मौजूद है।
यूके स्टडी वीजा के बाद अगर आप शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए यूके जा रहे हैं तो उसका जवाब भी जो है वो भी आपको 7 वीक्स के अंदर आता है। अमूमी तौर पे कोशिश होती है होम ऑफिस की के 3 वीक्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई कर दिया जाए। जी अगर आप वर्क वीज़ा या इन्वेस्ट करने के लिए यूके में जा रहे हैं तो इसका भी डिसीजन आपको 3 वीक्स के अंदर आ जाएगा और आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा अमूमी तौर पर अगर आपका डिसीजन अगर लेट हो तो 12 वीक्स का मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके लिए होता है। आपके 3 वीक्स के टाइम में आपका रिप्लाई नहीं आता और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यूके के लिए तो आपका 12 वीक्स जो है मैक्सिमम टाइम है, और अगर आपने अपॉइंटमेंट ली लिया तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई आ जाता है। आप इसके लिए फास्टर सर्विस भी चूज कर सकते हैं, आप इसके लिए फास्टर सर्विस भी चूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ज्वाइंट फैमिली इन द यूके। आप यूके में अगर अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, आप यूके स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो डिसीजन है वो 24 वीक्स में आता है। ये आप देख सकते हैं विदिन 24 वीक्स। अगर आप मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 24 वीक्स जो है वो वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके हस्बैंड स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपकी वाइफ स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप और आपके बच्चे डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू आर अप्लाइंग एज अ डिपेंडेंट ऑफ अनदर एप्लीकेंट यू विल गेट योर डिसीजन एट द सेम टाइम। यानी आपको उसी दिन ही या 2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाता है। अगर 2 दिन में ना मिले तो मैक्सिमम डेज 2 वीक्स हो सकते हैं। तो अब हमें इस चीज से पता लगा कि वैसे मैरिज वीजे का टाइम जो है वो 24 वीक्स है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बीवी या बच्चों के साथ यूके जा रहा है एज ए डिपेंडेंट कैटेगरी में तो उसका रिप्लाई सेम डे या विदिन 2 डेज में आ जाता है। नहीं आएगा तो 2 वीक्स उसको मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा। जी तो आखिर में वंस अगेन वीजा डिसीजन वेटिंग टाइम्स जो है वो आज हमने डिस्कस किया। इसमें हमारे से जो रिलेटेड था वो ये था कि व्हेन योर एप्लीकेशन वेटिंग टाइम स्टार्ट्स एंड, कि आपका वेटिंग टाइम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। आप तो यूके जब विजिट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं हमने आज इसको डिस्कस किया, स्टडी वीजा को हमने डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म स्टडी वीजे को हमने डिस्कस किया, वर्क एंड इन्वेस्टमेंट को भी हमने डिस्कस किया, और जॉइन फैमिली इन द यूके है जो है वो हमने डिस्कस किया। तो ये वो टाइम पीरियड्स थे जो वो वीज़ाज हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और क्लाइंट्स को इन्हीं वीज़ाज के बारे में मालूमात नहीं होती है। और आप VFS ग्लोबल के ऊपर जाके ये तमाम प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं।